नमस्कार साथियों, इस नंदी महाराज को किसी ने घायल कर दिया और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं सुहास कर्मा शर्मा जी, हमेशा ही तरह वक्त पे पहुंच के किसी बेजुबान की जान बचाने में माहिर है। आज डॉक्टर साहब का बर्थडे भी है लेकिन फिर भी हमारी एक कॉल पे ये चले आए। ब्रेड है, ब्रेड पकौड़े, ब्रेड डबल रोटी, डबल रोटी। पेड़ या इधर गेट से रहेगा? नहीं, गेट से रहेगा। इधर उजाला भी है ना, पर भारी भरकम नंदी है जिसके पेट में किसी ने चाकू मारा हुआ है और हमारे डॉक्टर साहब जो उसकी जान बचाने के लिए आए हुए हैं, उनको जब भी कॉल किया जाता है तुरंत आ जाते हैं। कितने मिनट की डेढ़ मिनट की बात इसको चालक को बंद कर देना ऐसे यहाँ पर नहीं वो तो ठाकू जख्म में और रस्सा लग गया तभी उठ गया। हाँ तभी उछलाए दर्द के मारे। एक बार बैठ जाएगा ना फिर इसका हो जाएगा सही। Thank you.
अभी हो जाएगा ठीक, थोड़ी देर में हो जाएगा। छोड़ दो छोड़ दो। बेटा पीछे पीछे हो जाए एकदम। एकदम यारा लुकर के पता जिम जा रहा है मुझे। तू इधर आ जा, बहुत जान होती है नो में। अब इधर आ जाओ ऊपर कर लो, आजा लो ऊपर कर लो भैया रुपए। अरे उठ जाएगा राइट, छुट्टियों मत काय कर रहे हो मत। हां कर दे I don't know if you're going to give me credit, guys.
हटा दे भाई। बेटा थोड़ा पीछे रहो यार, ये उठ गया ना। हाँ अभी दो बार इसने पैर ना मार दे थोड़ा सा। हाँ वो सब पहले बड़े गाँव को करवा दे, उसको भी करवा देगी। पकड़ करो पकड़ करो पास ऐसे पकड़ो। बस पड़ी हुई क्या? जल रहा है, हो जाएगा ठीक। हो रही हवा थोड़ी मिल जाए सुना थोड़ी। जिम नहीं जा रहा हूँ, ये पता नहीं है। टॉर्च लगाओ, टॉर्च किसी के फोन में टॉर्च लगा दो यार। आप लोग यार जगह जगह छोड़ दो भाई, तो उसको भाई खुला करो, चेहरा बनाओ तो अच्छा रहेगा। कॉटन 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 देना, कॉटन देना, ये लो गोभी टॉर्च लगवा यार, टॉर्च दे दो यार, एक टॉर्च दे दो। जख्म बहुत गहरा है, रोई दो। जमा प्लेट है वो निकाल रहे। थोड़ा थोड़ा हवा हवा आने दो। श्रीमती महाराज का बहुत गहरा जख्म है, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने अपने उसके कीड़े निकालने की वो शुरुआत कर दी है। बस उसे पकड़ रखो, वीडियो बन जाएगी तुमकी। ये लो है बना देना प्लेट वहां से सामने से। Yeah.
बाहर भी बाहर लगा दिया, जख्म तो बाहर दिख रहा है वो जो अंदर वाला ना वो ठीक करेगा, ठीक है ये बाहर वाला एपिटेंट बाहर काम करेगी वो दवाई है ना वो सारे बस ठीक है ना ठीक है ठीक है। वो अभी कौन सा लगाऊं एंटीबायोटिक कौन सा कौन सा जो मैं मुन्ने महाराज को थोड़ा सा आराम मिला क्योंकि जो उसमें कीड़े थे कीड़े निकाल दिए डॉक्टर साहब कीड़े निकाल दिए हैं और यहाँ पर देखो बहुत सारी भीड़ भी है बड़े मुश्किल से मुन्ने महाराज को काबू काबू किया है बड़ी मुश्किल से काबू किया है अरे हम इलाज कर रहे हैं इलाज कर रहा हूँ ठीक हो जाए इलाज बिल्कुल पड़ेगा बिल्कुल इलाज अब तो हो गया हो जाएगा ठीक हो जाएगा ये ठीक हो रहा है इन्होंने लगाई थी जल्दी हवा छोड़ दो यार दोस्तों वो लगवा उसको उठ जाएगा वो इसके जगह में पीछे भी हाँ देख रे मार के लगा देते हैं वो लगा देता है जख्म भरेगा नहीं वो बड़ा जख्म भर जाएगा तो छोटा भाई आगे भाई आगे चढ़ जाओ आगे चढ़ जाओ अड़ जा ना चेटा हट जाए तेरे को वोटा का फैक देने चला जाए ऊंची पर वोट हट जाओ भैया जा नंदी महाराज उठ जा बोल नंदी महाराज की बोल नंदी महाराज की बोला ना सामने आएगा भाई जाति तो हमने अपना सिर्फ बनाई है लेकिन मैं चाहता हूँ कि चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हम भाई भाई हैं और प्यार बढ़ाना सीखो न कि उसको तोड़ना सबसे पहले हमारे इंसान को तोड़ना है हम इन चीजों को उनको कहें तो हमें फायदा है अन्यथा इसको चर्चा ठीक है भैया Yeah!
बच्चे आओ, बच्चे आओ, बच्चे ही लड़के ही हैं, यही दो लोग कन्नी है हमारे गली के। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सर। बच्चे पहले जी देखो, इन्हीं से ही हमारा सब कुछ रोशन है और यही हमारा जीवन है। इनके द्वारा ये सब हमारा। अरे इन्हें निपेरी थे ना। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आप आए और एक नंदी की जान बचाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, और सभी लोगों का धन्यवाद। उन्होंने उनको भी खिलाओ सर, सुभाष जी को सर का जन्मदिन को खिलाओ, उनकी सकल लगाओ। तुम भी एक बाइट खिलाओ भाई को, कुर्सी पे तो आप धन्यवाद सर को खिलाओ मेरे इनका। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जसवंत साहब हैं और ये जसवंत जी हैं, ये डॉग जो होते हैं ना उनके चिकित्सा करते हैं। और ये जो आपका ये मैदान है ना, ये जो चांद के सामने, ये सुबह शाम वहाँ डॉग के लिए अपने सामर्थ्य खाना बनाते हैं, वहीं उनका चुल्ला उल्ला सब है। तो ये बहुत बड़े बच्ची के पात्र है भाई, इनके लिए हमारे साथी हैं, पूरा पूरा सहयोग देते हैं। सिकमा जी बहुत ही बढ़िया बात है, मैं काफी देता हूँ। चलो ठीक, चलो टिप ना प्लास्टिक के बच्चे सर को देखो, इधर देखो भाई, लो देखो इनके बार कही इतना। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। चलो नहीं और प्लास्टिक दे मदन है, और प्लास्टिक कटोरे दे, प्लास्टिक कटोरे दे इनको कुछ सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कुछ किया था हां, डाल के जो काम कर रहे हैं उनको देख कर हमको प्रेरणा मिली है कि हम इनके जैसा बन सके। डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत तालियां बजाएं। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, ये सतीश सर भाई, ये जो आए हैं इनका काम आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, स्पीच करो। बोलो ये बॉल करने पे 10 मिनट में आ गए, इतनी जल्दी कोई आता भी नहीं है, पुलिस वाले भी नहीं आते। हाँ जी, क्योंकि इनको पहले आपने जो है डॉग लवर जसवंत सिंह की टीम को फोन कराया, ठीक है, ठीक है ना, आपने अपने डॉग लवर जसवंत सिंह को फोन कराया, फिर उनसे इनको गया सुहास शर्मा जी को, तो उसके द्वारा फिर ये तुरंत आए हैं। तो इनका काम जैसे नंदी महाराज को लिटाया गया, लोग मुझे आप लोग कहाँ मिल रहे थे? नहीं, एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं भी नेशनल हाईवे पे जा रहा था। हाँ जी, वहाँ पर एक गाय माता मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पर एक ट्रक वगैरह आया था, उन लोगों ने जैसे खड़े हुए थे वो एकदम से कह रहे थे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगा, सेक्टर 62 का हेड है मतलब वहाँ पर। हाँ जी, यार्ड में 62 का तो नंदी का मेरा ही है, वो नंदी का नहीं है, एम्बुलेंस है, मेरे को आईडिया नहीं है, सेक्टर 94। अच्छा, जो भी है मेरे को वो कह रहे हैं, इन्होंने आंखों के सामने गाय की नजर बता दिया है, पब्लिक डीलिंग में बड़ी बात, मतलब जो गाय माता इन्होंने ठीक करके मतलब सही सलामत, फिर हम लेके आए थे जी, फिर वहाँ करके जब उसको ट्रीटमेंट किया था, एक बात और बताना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट से आज तक कोई गाय कितनी भी वो हो लेकिन कभी किसी गाय की डेथ नहीं। और डॉक्टर साहब एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे डॉग का जो इलाज करते हैं शिवकुमार जी, जख्मी डॉगों का जितना का इलाज करते हैं, खाना बनाते हैं हमारे साथ, पूरा पूरा सहयोग देते हैं। और चिन्ना देव निर्दर हमारे मित्र, मेरे छोटे भाई, मेरे प्रिय मित्र शिवकुमार जी हैं, और ये भी डॉक्टर हैं। हालांकि वो ये नहीं होता कि भाई कोई डिग्री ही प्राप्त करे, क्योंकि हम अगर कार चलाना सीखते हैं तो हमने अगर कागजों में सीख ली तो रबली नहीं चला, लेकिन अगर हमने रबली सीखा तो कागज में लिख सकते हैं। तो ये उसी प्रकार के बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, और जिनके साथ हमारे ये भाई साहब हैं जसवंत जी, ये जुड़े हैं। और कहीं भी आपको अगर डॉग की हो तो इनका नंबर ले लेना, डॉग कोई भी गली का हो कैसा भी हो, ये उसका फ्री में तुरंत काम आएंगे, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और खाना भी शाम को डेली मान से भाई भाई।